सर्वण गुरुआया आज जादू कौन सा लाया, सर्वण गुरुआया आज जादू कौन सा लाया। मित्रों नमस्कार, आज मैं जादू की सीरीज में आपको 46वां जादू सिखाने आया हूं। दिखाएंगे तो जरूर, साथ में सिखाएंगे। मुख्य उद्देश्य है सिखाना, आप समझे। मित्रों, जादूगर स्टेज के ऊपर आता है और जादू दिखाता है। एक साथी जादूगर ने पूछा है कि सर, आप हमें जो जादूगर स्टेज के ऊपर बड़े पत्ते होते हैं उनको छोटे छोटे बना देता है, वो जादू बताइए, मेरा एक प्रोग्राम लिया हुआ है, मैं उसमें देना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि उसका प्रोग्राम सफल हो, इसलिए मैं उसकी फरमाइश पर, इच्छा पर आपके सामने वो जादू लेकर आया हूं। देखिए, मेरे पास ये बड़े बड़े पत्ते हैं, देख रहे हैं आप। इन पत्तों को जादूगर स्टेज पर लेकर आता है और फिर उसके ऊपर हाथ फेर कर उन पत्तों को फोल्ड कर देता है, और फोल्ड करने के बाद में जब वो दोबारा खोलता है तो देखिए पत्ते सब छोटे हो गए हैं। अब जादूगर इनको अपने सहयोगियों को देता है और सहयोगी लेकर अंदर चले जाते हैं। अब इस जादू का रहस्य क्या है, इस जादू का रहस्य बताऊं। उससे पहले मित्रों, आप सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर तो आप करेंगे ही, कमेंट में जरूर लिखना। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि डायनमो को देखा है, डायनमो को जानते हो? हाँ देखा है, वीडियो देखा है, बहुत बड़ा जादूगर है, वर्ल्ड फेमस जादूगर है, बड़ी बड़ी ट्रिक लगाता है, बड़े बड़े जादू दिखाता है। लेकिन भैया, वो जितनी बड़ी ट्रिक लगाता है उतना ही उसके ऊपर अपार धन खर्च होता है। एक एक वीडियो में लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, और वो हमें कहते हैं कि आप हमें वो जादू बताइए, वो जादू सिखाइए। तो भैया, मैं वो जादू सिखाऊंगा यदि वो समय आया उतने खर्चे का, तो वो भी सिखाऊंगा, नहीं तो मैं बताऊंगा जरूर आपको, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए छोटा नमूना ही क्यों न पेश करना पड़े। अब रहा जादूगरों की बात, तो मैंने एक वीडियो देखा है जादूगर मुकुंद का, जो भारत का जादूगर है, वास्तव में इतना बढ़िया जादू मैंने डायनमो का भी नहीं देखा। वो खुले मैदान के अंदर सबके सामने 15 फुट की रस्सी को एकदम बांस की तरह खड़ा कर देता है और उसके ऊपर एक बच्चा चढ़ता है, बच्चा उतरने के बाद में वो बांस के वो जो रस्सी है वो वापस नीचे गिर जाती है। कमाल का जादू है। तो भैया, दुनिया अजूबों से भरी पड़ी है, एक से एक बढ़कर जादू है, जादूगर है। हम ये सोचते हैं कि ये जादू बड़ा है, जादू कोई बड़ा नहीं होता। जादू तो आप जानते हैं, एक छोटी सी ट्रिक होती है, एक छोटी सी तालाकी के अंदर बड़ी सी चीज दिखाई जा सकती है, हवा में उड़ाना एक छोटी सी ट्रिक है। जिस दिन मैं आपको दिखाऊंगा और उसकी ट्रिक बता दूंगा, आपको बस यही कुछ है। तो ये जब तक रहस्य के अंदर है, पत्ते में है, तभी तक ही जादू है। अब बात रही इस जादू के रहस्य की, तो मैंने आपको जो पत्ते दिखाए थे बड़े बड़े, ये देखिए ये पत्ते हैं, ये पत्ते मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ये पत्ते हैं, ये मेरे पत्ते खुद के बनाए हुए हैं, सारे के सारे पत्ते मैंने खुद ने पेंट किए हैं। कागज मुझे मिल गया था, मोटा कागज मिल गया था, उसके ऊपर मैंने प्रिंट कर लिया था, और इनके पीछे देखिए ये छोटे पत्ते छुपे हुए हैं, इन पत्तों के पीछे ये छोटे पत्ते छुपे हुए हैं। जादूगर जब इनको फोल्ड करता है तो ये छोटे पत्ते आपके सामने कर देता है, और आप समझते हैं कि बड़े पत्ते छुट्टे हो गए। तो जादूगर वास है, पत्ते आप बना लेंगे, आधे आधे हैं सब, केवल यह एक पत्ता पूरा, ध्यान रहे, केवल यह एक पत्ता पूरा, बाकी सब पत्ते आधे आधे हैं, और ये ताश के नेप से है कि ये ताश के पीछे छुप सके। ठीक है, जब हम इसको
ये देखा धागे से उतना ही खुलता है, इससे ज्यादा ज्यादा ये खुल नहीं सकता, बंद हो सकता है खुल नहीं सकता, आप जोड़ लेंगे। और इसके बाद आप इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करते के साथ आप इस तरह से घुमा देंगे, यही जादू का रहस्य है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे 47वें जादू में, तब तक के लिए नमस्कार। मित्रों, आप कभी भी किसी भी जादूगर के सामने उसका भेद न खोलें।